हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेंट्रल। दोस्तों, गाड़ियों पर लगे नंबर प्लेट्स हमें उस गाड़ी के बारे में बहुत सी जानकारियां देते हैं, जैसे कि उसके मालिक के बारे में, मॉडल के बारे में, या फिर वह गाड़ी कब खरीदी गई इत्यादि। लेकिन दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ियों में अलग अलग रंग के नंबर प्लेट्स लगे होते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंबर प्लेट का रंग हमें उस गाड़ी के बारे में क्या जानकारी देता है। सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट जिस पर काले रंग के नंबर लिखे होते हैं, वह पर्सनल गाड़ी होती है और इसका इस्तेमाल हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। पीले रंग की नंबर प्लेट जिस पर काले रंग के नंबर लिखे होते हैं, उसका इस्तेमाल कमर्शियली होता है। इस तरह के नंबर प्लेट आपको टैक्सी, ट्रक, ऑटो या बस इत्यादि में दिखेंगे। काले रंग की नंबर प्लेट जिस पर पीले रंग के नंबर लिखे होते हैं, ऐसी गाड़ियां रेंट में दी जाती है। इस नंबर प्लेट की गाड़ियां ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस में देखने को मिलेगी। नीले रंग के नंबर प्लेट ऐसे वाहन को मिलता है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस पर सफ़ेद रंग के नंबर लिखे होते हैं। इन प्लेट्स पर जिस देश का वह प्रतिनिधि या राजदूत होता है, वहाँ का कोड लिखा होता है। ऐसे गाड़ियाँ दिल्ली में देखने को मिलेगी। अगर किसी गाड़ी में लाल रंग के नंबर प्लेट है, तो वह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की होती है। लाल रंग के नंबर प्लेट पर अशोक की लाट का राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। हरे रंग के नंबर प्लेट्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।